India needs to work and go a long way to attain a stage where the political leaders and governments learn to value and respect the nation's players who work hard to make the country proud. An example of such apathy by the government is seen in Mirzapur district of Uttar Pradesh, where ace powerlifter Nidhi Singh Patel is living in misery and is counting every buck to fulfill her expenses. Nidhi has earlier won 5 gold, 1 silver and 1 bronze in international events and 5 gold, 2 silver and 3 bronze in national events. It was always difficult for Nidhi, a native of Pachera village in Mirzapur district, to arrange the amount for her foreign trips, her father Girija Prasad Singh Patel being a 4th grade employee at a college. But she managed each of her trips by the help of private donations by native people and some NGOs. Patel is now fed up of begging for her expenses and is planning to quit playing if government does not support her financially. आप लोग तो यहाँ पे आकर देख रहे हैं कि घर की परिस्थिति कैसी है। पापा चतुर्श्री के कर्मचारी थे, रिटायर हो गए और 2009 से हमने गेम स्टार्ट किया है। 2009 से लेके कमलापति त्रिपाठी सर जो हमारे गुरु हैं वो आगरा में रहते थे, आगरा से वो पावर लिफ्टिंग करते थे, लेकिन उनका भी जापान के लिए सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल के लिए। सब लोग शासन दिए कि हम आपको पैसा देंगे, आप इंटरनेशनल खेलने जाइएगा, लेकिन कोई पैसा नहीं दिया तो वो इंटरनेशनल खेलने नहीं जा पाए। तो उनका एक सपना था कि कोई भी यहाँ से लड़का लड़की किसी को भी इंटरनेशनल के लिए हम भेजेंगे और टी शर्ट पर इंडिया लिखवा के रहेंगे। गाँव में चक्की होता है, उस चक्की से हम लोग लिफ्टिंग करना स्टार्ट कर दिए सर। उसी चक्की से 10-15 लड़के लड़कियाँ जो यहाँ पे सर के घर पे ही निःशुल्क प्रशिक्षण सर देते हैं कमलापति त्रिपाठी सर, वहाँ पे भी हम प्रशिक्षण लेने गए। 2010 में मेरा फिलीपींस के लिए सिलेक्शन हुआ था मनीला के लिए, जहाँ पे कि चक्की से ही हम करके गए। 52 केजी भार वर्ग में खेले, 72 का बेंच किया और सिल्वर मेडल हमें मिला। 2011 में ही मेरा ताइवान के लिए सिलेक्शन हुआ, जो कि जेपी सीमेंट फैक्ट्री के सपोर्ट से हम गए। फिर उसमें भी बहुत लोग से भीख मांगा गया, भीख मांग कर कमलापति त्रिपाठी सर भेजे, वहाँ पे मेरा ब्रॉन्ज मेडल लगा 2011 में। 2011 में ही दिसंबर में मेरा लंदन के लिए सिलेक्शन हुआ, जिसमें मेरा 5 गोल्ड मेडल और सबसे शक्तिशाली महिला चुने गए थर्ड पे। फिर इसके बाद तैयारी करते गए, उतना मेरे पापा के पास पैसा नहीं था। खेलने के बाद अब हम अलविदा कहना चाहते हैं, क्योंकि अब भीख मांगते मांगते खेलते खेलते हम थक गए। अब गेम को हम नहीं खेलना चाहते हैं, क्योंकि हर बार सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रहा। हर स्टेट में सब लोग मेरे साथ, अभी कनाडा की थी, मणिपुर की थी, वो लोग खेल के गई तो बोली दीदी आपको क्या मिलेगा वहाँ पे। हम कहे हम तो 5, मेरा 6 इंटरनेशनल हो गया, आज तक हमें कुछ नहीं मिला, आप लोग को क्या मिलता है। क्या दीदी मेरा सिल्वर मेडल लेकिन जाएंगे 5 लाख रुपया मेरे स्टेट से, हमें क्यों नहीं मिल रहा है। Her father too maintained that the government should listen to and respect such players who work so hard for the country. हमारे परिवार का हाल तो आप देख ही रहे हैं और हम लोग किस स्तर से रह रहे हैं। हमारे पास न जमीन है, न कोई खाने का साधन है। हम चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी थे, रिटायर भी हो चुके हैं। अब जो मुझे मिलता है उसी में बच्ची को खिलाएंगे और खाएंगे। ये सरकार जो वादा करती है, जो बोलती है, वो केवल बोलने की है, न इसको सुनाई देता है, न इसको दिखाई देता है। Correspondent Dinesh from Mirzapur for ANI.